टाइप्स ऑफ पार्सर, तो पार्सर जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। अब टॉप डाउन और बॉटम अप में क्या डिफरेंस है, देखो अगर सपोज हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो अगर सपोज इनपुट स्ट्रिंग पार्सर के पास W00111 है, ये चेक करने के लिए कि ये स्ट्रिंग जो है इस ग्रामर से बिलोंग करती है कि नहीं, यानी कि ये ग्रामर इस स्ट्रिंग को जनरेट करती है कि नहीं, उस केस में लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन, टू टाइप्स के डेरिवेशंस होते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर क्या है, एस प्रोड्यूसेस ए बी लिया जाएगा। फिर क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बोल रही हूँ, तो लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल होगा ए, उसकी जगह सब्सिट्यूट करेंगे हम 0a, तो हमने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया, ए प्रोड्यूस 0a, तो ए की जगह 0a लिखा। फिर लेफ्ट वाला वेरिएबल कौन सा है, ए, अगेन ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें 0 0 दो बार चाहिए था, तो अब ए की जगह हमने 0 प्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट वेरिएबल क्या बचा, बी, तो बी की जगह हम क्या ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे, लेकिन 1 करते तो हमारी स्ट्रिंग तो जनरेट नहीं होती, तो हमने 1b ले लिया, ठीक है, बी की जगह क्या कौन सा प्रोडक्शन यूज किया, बी प्रोड्यूस 1b, ठीक है। फिर अगेन इस b की जगह हम 1b करेंगे, क्योंकि 3 1 चाहिए थे, तो ये हो गया 0 0 1 1 b, कौन सा प्रोडक्शन यूज किया, अगेन हमने b प्रोड्यूस 1b, और अब एक सिंगल 1 चाहिए, तो b प्रोड्यूस 1 वाला प्रोडक्शन यूज करके हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो गई, ठीक है। और अगर ये राइट मोस्ट डेरिवेशन होता, तो राइट मोस्ट वेरिएबल जो है प्रोडक्शन से रिप्लेस होता है, राइट मोस्ट वेरिएबल जो है उसकी जगह प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड पुट किया जाता है, तो इस बी की जगह हम क्या ले लेंगे, 1b, तो 1b यूज करके हमने पुट किया। अब इस बी की जगह अगेन 1b, क्योंकि हमें 3 1 चाहिए थे, अब बी की जगह क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, 1, क्योंकि 3 1 आ गए। अब ए बचा, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0a, ठीक है, अब ए की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे, 0, तो स्ट्रिंग जनरेट हो गई। तो स्ट्रिंग को जनरेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर में क्या डिफरेंस है वो बता रही हूँ मैं। हर डेरिवेशन के लिए उसका पार्स ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, एक ट्री भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके ट्री जनरेट करें, तो उसे बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, और अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके ट्री जनरेट करें, तो उसे बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री कैसे बनेगा, देखो पहले हमने लिया एस प्रोड्यूस ए बी, फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल की जगह, फिर ए, इस ए के प्लेस पे हमने रखा 0a, और इस ए के प्लेस पे रखा 0, फिर इस बी की प्लेस पे रखा हमने 1b, और इसकी जगह 1b, और फिर 1। जो टॉप डाउन पार्सर है वो इस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करता है पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। और जो राइट मोस्ट डेरिवेशन है, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में देखो क्या करा था हमने, एस प्रोड्यूस ए बी लिया, फिर पहले बी की जगह 1b लिया, फिर 1b लिया, फिर 1 लिया, ठीक है, पहले ये वाला राइट साइड सॉल्व किया, फिर हमने लेफ्ट साइड सॉल्व किया। तो देखो दोनों का ही पार्स ट्री सेम बना है, बट मेथड यहाँ पर क्या होगा कि हमने राइट मोस्ट वेरिएबल को पहले सब्सिट्यूट करेंगे, फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को, तो हो गया हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, ये जो पार्स ट्री जनरेट होता है वो टॉप टू डाउन जनरेट होता है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर हम स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं लीव्स तक जाकर। अब जो बॉटम अप पार्सर है वो क्या यूज करता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन तो यूज करता है बट रिवर्स ऑर्डर में। पहले क्या करता है, इनपुट स्ट्रिंग का 1 लेता है, 1 से बी को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ग्रामर में एक प्रोडक्शन है बी प्रोड्यूसेस 1, तो इस 1 को बी से रिप्लेस करता है। फिर ये सेकेंड देगा 1, और इस 1 और बी को लेके प्रोडक्शन देगा बी, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है बी प्रोड्यूसेस 1b, देखो बी प्रोड्यूसेस 1b, तो इस 1b को किससे रिप्लेस कर देगा, इस बी से। अब नेक्स्ट 1 लेगा, और इस 1 और बी के रिप्लेसमेंट में कौन सा प्रोडक्शन लेगा, बी प्रोड्यूसेस 1b, तो 1b को किससे रिप्लेस कर देगा, अगेन बी से। यहाँ तक जनरेट हो चुका है, फिर क्या लेगा, 0 लेगा, 0 से ए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ए प्रोड्यूस 0 वाला प्रोडक्शन अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट 0 लेगा इनपुट का, और इस ए को लेके उसे प्रोडक्शन जो 0 ए प्रोड्यूस 0 है, ए है, तो 0 ए को रिप्लेस कर देगा ए से। अब हमारे पास ए बी आ चुका है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कौन सा है, एस प्रोड्यूस ए बी, तो ए बी को रिप्लेस कर देगा एस से। तो इसे बॉटम अप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लीव से, और कहाँ तक गया, रूट तक, यानी स्टार्टिंग सिंबल ऑफ
ग्रामर जनरेट कर दिया। तो अगर स्ट्रिंग को लेके वो स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ग्रामर तक पहुंच जाता है पार्सर, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, पार्सर ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्योंकि ये राइट मोस्ट डेरिवेशन की तरह ही वर्क करता है, इसीलिए हमने क्या कहा है कि बॉटम अप पार्सर यूजेस रिवर्स राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो इसीलिए जो पार्सर्स हैं वो टू टाइप के हैं, एक है टॉप डाउन पार्सर और दूसरा है बॉटम अप पार्सर। अब टॉप डाउन पार्सर भी दो टाइप के होते हैं, एक विथ ब्रेक ट्रैकिंग, विदाउट ब्रेक ट्रैकिंग। विथ ब्रेक ट्रैकिंग में हम देखेंगे ब्रूट फोर्स मेथड, एंड विदाउट ब्रेक ट्रैकिंग जो होगा वो होता है प्रेडिक्टिव पार्सर, जिसे LL1 पार्सर भी बोलते हैं, या नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी बोलते हैं, या टेबल ड्रिवन पार्सिंग भी बोलते हैं। ये सारे नाम एक ही पार्सर के हैं, प्रेडिक्टिव पार्सर के, और एक होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो पहले हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पढ़ेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा पार्सर यूज किया जाता है, प्रेडिक्टिव पार्सर, फिर हम वो पढ़ेंगे। सिमिलरली बॉटम अप पार्सर भी दो टाइप के हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, जिसे LR पार्सर भी बोलते हैं। और ये LR पार्सर जो है वो फोर टाइप्स के हैं, LR0, SLR, LALR, कैनोनिकल LR पार्सर या LR1 पार्सर भी जिसे बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ये सारे पार्सर्स एक एक करके पढ़ेंगे।